वेलकम टू मल्टी प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्विस। मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्विस में रिन्यूअल रिचार्ज कैसे होता है। बहुत लोग को डाउट है कि जब हम एक मंथ का कराते हैं, जब 700 या 1200 का में ज्वाइनिंग करते हैं, तो फर्स्ट मंथ देगा, दूसरा मंथ देगा या नहीं, कैसे देता है, खुद से करना पड़ता है, फिर से पैसा लगता है, ये सब बहुत सारा डाउट होता है। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि मेरा जब एक मंथ हो गया है तो मैं अपना नंबर पे कैसे रिन्यूअल रिचार्ज करूँगा। ये देखकर आप भी अपने खुद से अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करके कर सकते हैं। तो आइए मैं क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं और उसके बाद अपना अकाउंट डिटेल्स खोलते हैं। ये देखिए मेरा यूज़र आईडी जो भी था, पासवर्ड मेरा लॉगिन किया हुआ था पहले से। देखिए ये मेरा यूज़र आईडी है और पासवर्ड ये सब डाला हुआ था। ये देखिए मेरा इनकम वगैरह है, मेरा ऑनलाइन में कितने ऐड हैं टोटल, वो सब शो कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे रिन्यूअल रिचार्ज होता है। देखिए मैं लास्ट डेट मैं जो था मेरा रिचार्ज का वो कब था, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। आइए मैं रिचार्ज में जाता हूँ। रिचार्ज में जाने के बाद रिचार्ज हिस्ट्री में जाता हूँ। रिचार्ज हिस्ट्री में आया तो देखिए ये जो मेरा नंबर है और ये 2429 का रिचार्ज है, और ये देखिए डेट इसमें शो कर रहा है 31 मई। 31 मई को मैंने लास्ट रिचार्ज किया था मल्टी प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्विस से। अब देखिए मैं अपना माई जियो ऐप में आपको दिखाता हूँ कि ये रिचार्ज मेरा कब तक चल रहा है। ठीक है, ये रहा मेरा माई जियो ऐप। अगर जो आप जियो सिम यूज़ कर रहे हैं तो माई जियो ऐप में आप अपना आके देख सकते हैं। ये देखिए मेरा प्लान है, मैंने 31 मई को रिचार्ज किया था इस मल्टी प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्विस की तरफ से, तो मुझे 2 GB डेटा अनलिमिटेड कॉलिंग मिला था। ये देखिए मेरा 28 जून को ख़त्म होने वाला है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए इसमें मेरा डेटा बचा हुआ है, 1-2 GB डेटा देता है 28 जून, मतलब कि कल मेरा 28 जून को ये ख़त्म हो जाएगा। तो एक दिन पहले ही मल्टी प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्विस की तरफ से एक दिन पहले ही रिन्यूअल रिचार्ज मिल जाता है। तो ये देखिए मेरा डेटा इसमें दिखा रहा है। और अब आते हैं हम मल्टी प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्विस में। ये तो मेरा लॉगिन किया हुआ था, देखिए मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। कोई भी वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर हम लोग टैप करते हैं क्रोम ब्राउज़र या गूगल में जाकर, अब उसके बाद डालते हैं मल्टी प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्विस। जब इतना डालते हैं तो फिर ये ऐसा आता है, डायरेक्ट हम लोग लॉगिन पे जाएंगे। जब लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये मेरा आईडिया, ये पासवर्ड मैंने सेव करके रखा है, तो डायरेक्ट डाला हुआ सब कुछ तो लॉगिन कर देते हैं। अब लॉगिन खुल रहा है, अब ये हटा देते हैं ये सब नोटिफिकेशन। ये हटाने के बाद देखिए मेरा इनकम, ये इनकम है, ये फ्रेंचाइजी इनकम है, टोटल दिखा रहा है। और ये यहाँ पे टुडे इनकम दिखा रहा है मेरा, देखिए 10 पेयर 700 वाला बना है और 16 पेयर बना है, उस टोटल का इनकम दिखा रहा है। ये सब बैंक कंपनी का है, ये मेरा नंबर है। देखिए ये देखिए लास्ट रिचार्ज 31 मई का दिया हुआ। अब देखिए मेरा न्यू रिचार्ज होगा। अभी अब रिचार्ज पे आएंगे, रिचार्ज नाउ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए लिखा हुआ रिन्यूअल रिचार्ज, ये रिन्यूअल रिचार्ज लिखा हुआ, ये मेरा मोबाइल नंबर डाला हुआ है, इसको हम मिटा नहीं सकते हैं, जो नंबर है वही रहेगा। अब इसमें सेलेक्ट ऑपरेटर करेंगे तो मेरा जियो का सिम है, जियो करेंगे। और देखिए इसको बस हम एक बार टैप करेंगे रिचार्ज नाउ। प्रोसेस में है, अभी खुल रहा है। थोड़ा सा नेट स्लो है, देखिए ऊपर से देखिए रिक्वेस्ट आ गया, रिचार्ज रिसीव रिक्वेस्ट मैसेज आ गया जियो कंपनी के थ्रू। अभी पूरा खुला नहीं है पर मैसेज आ गया, थोड़ा सा नेट का इशू है। ये देखिए ये रिचार्ज देखिए सक्सेसफुली हो गया,
ये रहा रिचार्ज, ये मेरा मोबाइल नंबर, ये रिचार्ज सक्सेसफुली हो गया। अब देखिए इसमें, अब फिर आते हैं रिचार्ज हिस्ट्री में आते हैं। ये रहा रिचार्ज हिस्ट्री, देखिए एक और ऐड हो गया 249 जियो, डेट इसका इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए 6/27/2020 ये हो गया। अब यहाँ पे देख लिया हम लोग, अब आते हैं माई जियो ऐप में, फिर से खोलते हैं। ये रहा मेरा माई जियो ऐप, ये देखिए मेरा एक्सपायरी डेट बचा हुआ था। अब देखिए मैं प्लान डिटेल्स फिर से खोलता हूँ, इसमें चेक करता हूँ मेरा प्लान्स, मैंने जो अभी रिचार्ज किया वो कहाँ आया है। ये देखिए मेरा ये प्लान कल एक्सपायर होने वाला है, और जो भी रिन्यूअल रिचार्ज किया हूँ मैं वो देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए ये एक्टिव करने के लिए दे दिया है 2 GB डेटा, और ये देखिए यहाँ पे भी शो कर रहा है वैलिड 24-28 डेज। ये देखिए मैसेज कौन आ गया हमारा जियो के तरफ से, और इसमें शो कर रहा है 100 मैसेज डेली, डेटा 2 GB पर डे, और वॉइस कॉलिंग अदर पे 100 मिनट्स है, और अनलिमिटेड कॉलिंग है वगैरह वगैरह। और ये जैसा ही 28 कल ये ख़त्म होगा तो ये मेरा प्लान है जो अभी रिन्यूअल किया ये स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ से बैक आ जाते हैं और ये वेबसाइट पे आते हैं, ये मल्टी प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्विस की तरफ से। ये देखिए 249 का रिचार्ज सब कुछ शो कर रहा है माई जियो की तरफ से। यहाँ से आते हैं डैशबोर्ड पे आते हैं, देखिए मुझे भी पैसा यहाँ से डेबिट कट नहीं करना पड़ा, जो एक बार प्लान ले लेते हैं उसी से रिचार्ज हर महीने हर मंथ 28 डेज के बाद होते रहता है। ये देखिए मेरा टुडे इनकम है, बाकी वॉलेट बैलेंस है, माई ऑनलाइन है, देखिए मेरा लेफ्ट राइट में जितने सारे जुटे हुए वो सब का डिटेल्स है। राइट साइड में ये लेफ्ट साइड में, और यहाँ से फिर कैसे लोग को जोड़ा जाता है ये देखिए बता रहा हूँ। अगर जो आप चाहते हैं कि किसी को मुझे फिर से अपने आईडी से किसी को जोड़ना है तो देखिए यहाँ से यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी आप अपना डालेंगे, लेफ्ट राइट साइड डालेंगे, उस बंदा का पासवर्ड डालेंगे जिसका आप नया कस्टमर को जोड़ रहे हैं, फुल नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, जो स्टार लगा हुआ वो कंपलसरी है डालना, ये रेड स्टार। उसके बाद ये ईपीएन कोड, कोई भी फ्रेंचाइजी आईडी लिए हैं उनसे ले सकते हैं, मेरा आईडी फ्रेंचाइजी है तो मुझसे भी आप ले सकते हैं। ये देखिए स्टेटस में शो करता है, ये देखिए ये मेरा ज्वाइनिंग अमाउंट है, ये फ्रेंचाइजी है, रिचार्ज मंथ है, विड्रॉवल है, इतना सारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।